हमें एक बार को तब ये लगा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री तो हो गई है। और ये अल्ट्रा लेफ्ट और ये अर्बन नक्सल किसान के आंदोलन में घुसकर अपना एजेंडा चलाना चाहते। किसान आंदोलन से हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई देश कैसे कर पाएगा? क्या कृषि कानून पर तेरा किसान वर्सेस मेरा किसान की लड़ाई शुरू हो गई? आप बोलिए, अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए, अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का मेरा। मेरा लोना, मेरा भी आपकी, आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम? आप हमारे को क्या सोचते हो? ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? 500 रुपए जा रही है भाई साहब। 500 रुपए कितनी? 500 रुपए दिहाड़ी, ठीक है। कितने पैसे लेंगे? 500 रुपए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया देश के हर नागरिक तक देश और दुनिया में हो रही घटनाओं को पहुंचाता है। पिछले कुछ समय से मीडिया सत्ता सरकार के हित में ही खबर दिखा रहा है। देश में किसान आंदोलन पर बैठे हैं और मीडिया का उसमें जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि मीडिया किसानों की आवाज उठाने की बजाय उसमें कुछ और ही मुद्दे ढूंढने में लगा है। जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने किसानों के आंदोलन में खालिस्तान का एंगल ढूंढ निकाला। हमने आपको दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खड़े एक ट्रैक्टर की तस्वीरें दिखाई थी, जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे और AK-47 राइफल का एक चित्र बना हुआ था। हमने इसी दौरान आपको प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी का बयान भी सुनाया था, जो ये कह रहा था कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था, वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेंगे, अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो। फिर भी हमें एक बार को तब ये लगा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री तो हो गई है, लेकिन नफरत वाली इस मिसाइल की रफ्तार शायद ज्यादा नहीं होगी और ये लंबा सफर तय नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग ऐसे रहे हों जो कि खालिस्तान के साथ सिंपथी रखते हैं, जो खालिस्तान के समर्थक हों। न्यूयॉर्क में भारत के किसानों के समर्थन में रैलियां निकाली गईं और इनमें भी खालिस्तानी विचारधारा वाले पोस्टर लहराए गए। यही जब कुछ किसान उमर खालिद, वरवराव जैसे लोग जो कि सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल में बंद हैं, उनकी तस्वीरों के साथ दिखे तो टुकड़े टुकड़े गैंग एंगल भी मीडिया ने ढूंढ ही लिया। इस मुद्दे को रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी उठाते दिख रहे हैं। देशवासियों, किसानों के आंदोलन पर गिद्धों की नजर पड़ गई है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। ये लोग किसान आंदोलन की आड़ में एक बार फिर दिल्ली को जलाना चाहते हैं। ये लोग किसानों को मोहरा बना रहे हैं। दोस्तों, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि उल्टा लेफ्ट की अर्बन नक्सल और ये अल्ट्रा लेफ्ट और ये अर्बन नक्सल किसान के आंदोलन में घुसकर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा शक सही निकला। देश के खुफिया विभाग को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेता किसानों को भड़काकर दिल्ली में बड़े पैमाने पर आगजनी करवाना चाहते हैं। इसके अलावा मीडिया को अर्थव्यवस्था की कितनी चिंता थी ये हमने देखा। जब देश की GDP -23.9% आ पहुंची थी, तब भी मीडिया सरकार से सवाल करता नहीं दिखा, पर जब से किसान धरने पर हैं, मीडिया को आर्थिक संकट दिख रहा है। न्यूज नेशन पर कुछ ऐसे ही मुद्दे पर डिबेट हुई। आज कृषि मंत्री से उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों से किसान संगठन के प्रतिनिधि मिलने पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपना प्रस्ताव आंदोलन कर रहे किसानों को भी भेज दिया है, अब किसान संगठनों के जवाब का इंतजार है। उधर कोरोना काल में आंदोलन से देश को बड़े आर्थिक झटके का सामना करना पड़ रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ना तय है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक फल और सब्जी की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। 60,000 ट्रक की आवाजाही रोजाना दिल्ली से होती है, जो अब कम होकर मात्र 15,000 ट्रक तक आ चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि कोरोना काल के आर्थिक संकट के बाद किसान आंदोलन से हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई देश कैसे कर पाएगा। इनके अलावा बाकी मीडिया क्या कर रहा है ये भी आप ही लीजिए। अल्ट्रा लेफ्ट की सोच ने हाईजैक कर लिया है। अल्ट्रा लेफ्ट है वो किसान आंदोलन में जाकर हावी हो रहा है। किसान हित पर हावी है क्या दलहित? देश के प्रधानमंत्री के लिए मौत की दुआ मांगना, हाय हाय मोदी मर जा तू। जीवनदाता के मुंह से मौत का गीत क्या शोभा देता है? जो हिटलर का काम करेगा वो हिटलर की मौत मरे। उपवास पर है किसान, आखिर कब तक चलेगा ये घमासान? जान पर आई तो सुरक्षा याद आई कि तिरंगा नहीं उठाएंगे, लेकिन
सुरक्षा सुरक्षा चिल्लाएंगे। करीबन आधे दशक यानी 50 से ज्यादा ऐसे किसान संगठन हैं जो कि अलग अलग समय पर सरकार को समर्थन दे चुके हैं। आज तक एक ही कानून पर किसानों की दो अलग अलग राय क्यों बन गई है, किसके कहने पर बन गई है? क्या कृषि कानून पर तेरा किसान वर्सेस मेरा किसान की लड़ाई शुरू हो गई है? किसानों में ही गृह युद्ध शुरू हो गया है। यही कारण है कि जब भी कोई पत्रकार इन चैनलों से किसानों से बात करने जाता है तो उसे खरी खोटी सुननी पड़ती है। आप इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए। उनको देशद्रोही बोला जाता है इसी मीडिया के माध्यम से उनको नक्सली बोला जाता है। तो बड़ी ही बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेकर कि जी न्यूज आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्र नेता है टिकैत उनको बुरा भला बोल रहा था, और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है। और जितने भी आप बोलिए, अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए, अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का, मेरा क्यों चाहिए मुझे? मेरा लो ना, मेरा भी आपकी आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम, आप हमारे को क्या सोचते हो, ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग, आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो, आप लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो, चिल्लाएंगे मैडम। आप भी चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश में साबित करना चाहते हो कि ये लोग नकली हैं। आप नकली बोलते हो उनको, इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका जी न्यूज पूरी तरह से बहस है, मोदी मीडिया मुर्दाबाद। इसके अलावा इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कंगना ने भी की थी अपने ट्वीट के जरिए, जिसमें उसने किसी बूढ़ी दादी को शाहीन बाग वाली दादी बताया था और 100 रुपए लेकर आने की बात भी कही थी। अब आप ये वायरल वीडियो भी देख लीजिए बीजेपी की रैली का, जिसमें लोगों को अमित शाह के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो 500 रुपए लेकर रैली में आने की बात बता रहे हैं। तुम अमित शाह जी के लिए आए हो? कौन इसके साथ में आ जाएगी? नहीं, जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, जिनकी तुमने फोटो ली हुई है बीजेपी वाले, उनके लिए आए हो ना? ये पता नहीं भाई, मैं बीजेपी के से ही हूँ और मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम कितने पैसे में आओगे? कितने पैसे लोगे? 500 रुपए? कितने? 500 रुपए दिहाड़ी। आप अमित शाह जी के लिए ही आए हो पर्सनली? जो बीजेपी से आए हैं अमित शाह जी के लिए आए हो? ठीक है, कितने पैसे लेंगे? 500 रुपए। चलो ठीक है। तो अब कंगना ही ये वीडियो देख ले कि कहाँ पे लोग पैसे लेकर जाते हैं। अब मीडिया की क्या ही बात करें, किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, पर मीडिया उनकी मांगों की बजाय कुछ और ही मुद्दे उठाता दिख रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि मीडिया किसानों की आवाज भी सुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।